नमस्कार, प्रदीप वॉइस के एपिसोड 6 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दे की, और ये मुद्दा कंट्रोवर्शियल इसलिए हो गया है क्योंकि कुछ राजनेता हैं जिनकी चुनावी जमीन पीछे से खिसक चुकी है और वो हर मुद्दे को चुनावीकरण से जोड़ते हैं और राजनीति से जोड़ते हैं। भाई, होम टीम और विजिटिंग टीम जो इंडिया है और इंग्लैंड है, उनके बीच में क्रिकेट में मुकाबला हो रहा है। अब आईसीसी के रूल्स ये कहते हैं कि जो विजिटिंग टीम है और होम टीम है, अगर उनके जर्सी का कलर एग्जैक्टली सेम होता है तो होम टीम जो है वो अपने जर्सी का कलर मेंटेन करती है और विजिटिंग टीम जो है वो अपने जर्सी का कलर चेंज कर देती है। अब यहां पे होम टीम इंग्लैंड है और विजिटिंग टीम आपकी इंडिया है। अब दरअसल बात यह है कि हिंदुस्तान ने अपनी जर्सी में कुछ शेड्स ऑफ सैफरन रखा है, कुछ शेड्स ऑफ सैफरन जो पहले भी जर्सी के अंदर था। मैं बता दूं कि 2020 में पहले हिंदुस्तान एक सैफरन जर्सी ऑलरेडी पहन चुका है। इस बार जो अभी की जो जर्सी है उसमें भी जो आप देखते हैं कि कुछ एक चीज सैफरन से लिखी जाती है। अब ये हो रहा है कि यहाँ पे कॉलर, यहाँ पे जो स्लीव्स है उस पे सैफरन आ रहा है और पीछे सैफरन आ रहा है और आगे से ब्लू है। भाई, इसमें दिक्कत क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसकी राजनीति, इसको राजनीति से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है। और भगवा कलर से इशू क्या है? भगवा तिरंगे का कलर है, तो भाई अगर आपको तिरंगे से प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए। भगवा कलर वैलर का कलर है, सैक्रिफाइस का कलर है, विक्ट्री का कलर है, तो आपको उससे भी प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए। दरअसल सच्चाई की बात यह है कि कुछ राजनेता जिनको इस बार चुनाव में वोट नहीं मिले हैं, वो सोच रहे हैं कि मीडिया के जरिए अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहे। पर दरअसल सच बात यह है कि जब तक वो जनता के मुद्दे नहीं उठाएंगे, जब तक वो जनता के बीच में नहीं जाएंगे, कोई भी उनकी राजनीतिक गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा सकता। और वह भी इस वक्त ऑपोजिशन के साथ में ऐसा ही है। तो मेरा निवेदन है ऐसे नेताओं को कि जो हर चीज में राजनीति डालने की कोशिश करते हैं, जरा जाके जमीन पे काम करिए, जाके जरा जमीन पे जनता के मुद्दे उठाइए। अगर ऐसा आप करेंगे तो देश का भी भला होगा और आपका भी भला होगा। और अगर ऐसा नहीं करेंगे आप, तो आप बढ़वाते रहिए, बोलते रहिए, होना जाना कुछ नहीं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।